नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS News। संसद की रिहाई तक हर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी करेगी उपवास। मुरादाबाद में शुक्रवार को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पार्क में आप कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए सांसद संजय सिंह के आह्वान पर भारत माता की प्रतिमा के सामने आम आदमी पार्टी द्वारा उपवास रखा गया है। कहा कि आप सांसद संजय सिंह प्रत्येक शुक्रवार को जेल में उपवास रखेंगे, इनके साथ आप कार्यकर्ताओं ने भी हर जिले में भारत माता की मूर्ति के सामने उपवास रखा। भारत माता देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। जिला प्रभारी आप व कार्यकर्ता सांसद संजय सिंह की रिहाई तक उपवास जारी रखेंगे। प्रांत अध्यक्ष जिला प्रभारी आप सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जेल से प्रत्येक शुक्रवार को उपवास करेंगे, उनके साथ कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश के हर जिले में भारत माता की मूर्ति प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर उपवास रखेंगे। इस दौरान डॉक्टर एपी सिंह, नजरुद्दीन, शिव कुमार राय, रविंद्र भाटिया, एडवोकेट त्रिलोक चंद दिवाकर, दयानंद शर्मा, रीता पाल, अनीता पाल, अनिल बिश्नोई, अजय सैनी, इमरान खान, जाबिर हुसैन, मोहम्मद याकूब, रेहान अली आदि मौजूद रहे। हर शहीद हर गरीब का हमी को खाप है, रुके न जो, रुके न जो, जी रहे है इसलिए प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिको मालिको हजूर के नौकरों मजूर के फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे, रुके न जो, रुके न जो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, अगर उसको कोई पार्टी टक्कर दे सकती है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है, इसलिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है। इसीलिए हमारे नेताओं को, जो भी हमारे नेता हैं, उनको असंवैधानिक तरीके से जेल में डाला जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सभी ने हमने यहाँ पर आज एक दिन का उपवास रखा है। ये संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई वो असंवैधानिक है, और ये जो भाजपा सरकार है तानाशाही के खिलाफ आज उपवास है हम लोगों का। यहाँ आज जो उपवास बैठे हैं, क्या कुछ कहना है? आज जो हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी को फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल में डाला गया है। हमारे सांसद संजय सिंह जी ने जेल से यह आह्वान किया है कि सभी यूपी के अंदर जितने भी जिले के अंदर हैं, आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद माननीय संजय सिंह जी की असंवैधानिक गिरफ्तारी के विरोध में हम सब लोग सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय उपवास पे बैठे हुए हैं। और केवल हम ही नहीं बैठे हुए हैं, माननीय संजय सिंह जी भी जेल के अंदर इस तानाशाही सरकार के जो कृत्य हैं उनके विरोध में उपवास पर हैं। हम लोगों का एक ही मकसद है कि देश में लोकतंत्र जीवित रहे, लोगों को संवैधानिक जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से जो दिए हैं वो लोगों को मिलते रहें, उनमें किसी भी तरीके की सरकार, जो सरकारें कोई भी आएँ, वो उन पर जो है कैंची ना चला सकें। क्या हो रहा है कि देश में जो भी व्यक्ति जनहित की के मुद्दों की वकालत करता है, आज उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। 144 सांसदों का निलंबन इस बात का द्योतक है कि आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी इतनी बड़ी संख्या में निलंबन नहीं हुआ है। सरकार अपनी मनमानी करने पर तुली हुई है। क्या गरीबों की आवाज़ उठाना, मजदूरों की आवाज़ उठाना, महिलाओं की आवाज़ उठाना गैर संवैधानिक है? अगर
सरकार को गैर संवैधानिक लगता है तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को जेल भेज देना चाहिए। आप अपना जो है जो सरकार में जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो ही अपना पूरा देश की नुमाइंदगी करते रहें। एक एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है पोजीशन के। चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि केवल और केवल सत्तारूढ़ पार्टी के लोग और उनकी सरकार ही देश की हितैषी है। अपोजिशन के सारे लोग भ्रष्ट हैं। सारे लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है कि वो जनहित के मुद्दों पे कोई बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम सब लोगों को एकजुट होकर के सरकार के जो गैर संवैधानिक कृत्य हैं, जिनके माध्यम से जो उन्होंने कानून बना करके जो दो तीन व्यापारियों को पूरे देश की सारी संपत्ति को बेचने का काम किया है, उसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। और नहीं तो एक एक करके देश के सारे जो है चीज़ें बिक जाएंगी। जब एयरपोर्ट नहीं होंगे, देश के पास अपना क्या नाम सीपोर्ट नहीं होगा, देश के पास अपना कोयला खदानें नहीं होंगी, जब सारे व्यापारियों को दे दी जाएंगी तो देश चलेगा कैसे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2014 में 55 लाख करोड़ देश पर कर्जा था, वो आज बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूं कि केवल और केवल 9 सालों में 2,05,000 करोड़ हो गया है। मतलब इतना जो है, जो 55 करोड़ था वो 2,00,000 करोड़ हो गया है। तो ये जो मतलब लगातार आप इतना पूरे देश को कर्ज में झोंकते जा रहे हैं और अपनी बाबाई लूट रहे हैं कि हमने ये कर दिया है, हमने देश को जो है आज इस स्तर पे पहुंचा दिया, हमारा देश सबसे मजबूत हो गया है। मैं आपके अच्छे कार्यों की बढ़ाई भी करता हूं। आपने जो अच्छा काम किया है उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आप जो है लोगों की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी को कुचलने का काम कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी का ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक और ना कोई कार्यकर्ता इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। हम लोग जो है सड़क से लेकर के संसद तक जो है प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोगों का उसी कड़ी में माननीय संजय सिंह जी के साथ जो है आज उपवास का कार्यक्रम है और ये हमारा जो है सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के रूप में मतलब हम लोग कर रहे हैं।